और क्या गलत थोड़ा वहां पर मुझे बताइए आप। उसका पति पैसा कमाता है, घर चलाता है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां संभालता है। ठीक है, चला गया, जरा सी मनमानी कर ली उसने, क्या गुनाह कर दिया उसने भाई, क्या गुनाह कर दिया उसने? लौट के तो घर ही आता है ना। इतनी सी बात जिसको तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं थी उसके लिए आप उसे फांसी पे चढ़ाएंगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद ऐसी घटिया हरकत करना गलत है। गलत नहीं है, नहीं है गलत, नहीं है गलत। शादी नहीं होगी यार, गले का फंदा हो गया। अरे उस घर को घर तो नहीं उठा के लाया था ना, लाया था घर पे, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही उसकी बीवी को इतनी? एक औरत का धर्म होता है घर संभालना, गृहस्थी संभालना, अपनी मर्यादा में रहना। ये नहीं कि अपने पति का जीना हराम करके पूरे समाज के सामने उसे बेइज्जत करना। क्या मिला उसे, क्या हासिल हो गया उसे सब करके, क्या मिला? इसका पति समाज में सर झुका के चलेगा और तो कुछ नहीं, बदनाम हो गया वो बस। कैसे धर्म की बात कर रहे हैं आप सम्राट जी? और धर्म की सारी नियम औरतें क्यों निभाए? समझौता सिर्फ औरतें ही क्यों करें? अगर किसी मर्द की जगह कोई औरत ऐसा काम करके घर आती तो भी आप यही तर्क देते? और मैं, और मैं, और मैं। सवाल पसंद नहीं है मुझे, बस फालतू बात नहीं। हम फालतू बात नहीं कर रहे सम्राट जी, मर्द और औरत के लिए नियम इतने अलग अलग क्यों? मर्द जो करे सब ठीक है और वही औरत करे तो उसे घर से, समाज से, हर जगह से, अधिकार से बेदखल क्यों? दोनों के बीच इतना दोगला बर्ताव क्यों? ये तो गलत है ना सम्राट जी? अगर मर्द अपनी औरत से वफादारी की उम्मीद रखता है तो मर्द को भी वफादार होना चाहिए, भी वफादार होना चाहिए। अगर बेवफाई की सजा औरत को मिलनी चाहिए तो मर्द भी ऐसी बेवफाई के लिए सजा का हकदार है। सजा उसे भी मिलनी चाहिए।
अरे भैया, मोहल्ले में घूमकर होली नहीं खेलोगे क्या इस बार? नहीं नहीं, शादी हुई है भाई की, इस बार सारा टाइम अपनी बीवी को ही देंगे। अब टाइम देंगे या नजर रखेंगे कि इनके पीछे से आकर कोई भाभी जी को रंग ना लगा दे। अपनी बीवी पर नजर रखने की जरूरत नहीं मुझे, लगाम कसके रखता हूँ मैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात, दिल खुश कर दिया भाई। चलो निकलते हैं, देखते हैं कौन कौन छुपा है घर में। चलो। पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, गौरव गा। ई पे याद नहीं आ रहा है, गाइए ना। ई से बता ना। अरे गौरव, वो टुन है। वो गा नहीं सकती, वो तो सिर्फ नाच सकती है। गाओ गाओ चलो। अरे ई से भैया, अब जल्दी जल्दी गाइए वरना 1 2 इसे याद नहीं आ रहा है। 3 अरे बुआ, इसे याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तू कहाँ से गा देता। गौरव भैया अब शुरू हो रहा है। 1 अरे एक मिनट, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे अंकल पानी मिलेगा? हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा। अनु बेटा बाहर पानी लाके दो। मैडम गिलास रहने दीजिए, वो जग से ही दे दीजिए। बेटा वो बस गिलास लेने गई है। नहीं नहीं आंटी, पूरा कलर में सने हुए हैं, जग से ही दे दीजिए। अच्छा तुझे बेटा जग दे दे। अरे अनु जल्दी से ग्लास रख और हाँ से गाना बता। हाँ से। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी देखा हाल जरा। सवार लूं सवार लूं सवार लूं तुम है सवार लूं। तुम यहाँ कैसे? जहाँ चाहे वहाँ रहा है। Don't worry. आज तुम्हें कॉफी पे ले जाने नहीं आया, तुम्हें रंग लगाने आया। तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा ही समझ लो, तुम्हें रंग भी तो लगाना जरूरी। ये हमारी पहली होली है ना, हैप्पी होली। Thank you.
उसका पति पैसा कमाता है, घर चलाता है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां संभालता है। ठीक है, चला गया, जरा सी मनमानी कर ली उसने, क्या गुनाह कर दिया उसने भाई? शादीशुदा होने के बावजूद ऐसी घटिया हरकत करना गलत है। बस! इसमें डायरी है, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पर नई एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, यादें संजो कर रखने के लिए। तमीज नाम की चीज नहीं है जो जानवरों जैसी हरकत कर रही हो। ये इस अनजान शहर में अकेला छोड़कर चले गए आप हमें। एक बार तो सोचा होता कि आपकी पत्नी यहाँ अकेली। अरे तो रूम में ही थी ना, आप कोई सड़क पे तो नहीं छोड़ के गया था आपको पागल कुत्तों के बीच। जानना है सम्राट जी, कहाँ थे आप? नहीं बताऊंगा, सुनिए हम 5 मिनट के लिए मिलाए क्या, फिर चले जाएंगे वो लोग। अब एक ही शहर में शादी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि जब मन किया चले आए। कन्यादान हो गया आपका, दे दिया उन्होंने आपको मैं भी शक्ल दान में। अब कोई लेना देना नहीं उनका आपसे, कोई हक नहीं उनका आप पे। दो कौड़ी की औकात नहीं आपकी, बीवी के बन गई जबान लड़ाएंगी मुझसे? माँ बाप के साथ रहना था भाई रहती, शादी करने की क्या जरूरत थी? नजर भी मत आना इस कमरे के आसपास मुझे। पापा का बर्थडे नहीं होता तो हमने इतनी जिद नहीं की होती सम्राट जी। सम्राट जी हमें प्लीज जाने दीजिए ना। चाहिए, लेकिन अगर गई तो लौट के वापस मेरे पास मत आना। हमेशा हमेशा अगले भाई रहना, हमेशा हमेशा अगले भाई रहना, हमेशा हमेशा अगले भाई। कल को कुछ हमारे साथ हुआ तो आपको रिश्ता तोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। देखिए एक बात तो तय है कि मैं नहीं बदलने वाला। दो कौड़ी की औकात नहीं आपकी, कौड़ी की औकात नहीं आपकी। मैं नहीं बदलने वाला, मैं नहीं बदलने वाला। बीवी के बन गई जबान लड़ाएंगी मुझे, जबान लड़ाएंगी मुझे। गई तो लौट के वापस मेरे पास मत आना कि मैं नहीं बदलने वाला, मैं नहीं बदलने वाला। हमेशा हमेशा अगले भाई रहना, हमेशा 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 अगले भाई रहना, हमेशा 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 अगले। मायके जा रही हो? अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सच का है ना तो तुम एकदम सही कर रही हो। आज तुम्हारे जो कदम उठाना बहुत जरूरी है। रो मत पाओ, रो मत। आज सम्राट ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उस बात को माफ नहीं किया जा सकता। जी भी कोई बात हुई भला, हाथ उठा दिया तुम्हारे ऊपर। जी बर्ताव गलत है, हद कर दी है उस लड़के ने तो। आज तुम मायके जाओ, जाओ तुम मायके। तुम यहां नहीं रहोगे ना, खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाए। बीबी हो तुम उसकी, कोई गाय बकरी या गुलाम नहीं हो कि जब जो जी में आया कर दिया और फिर हट गए और तुम सहती रही उसके अत्याचार। अरे आज हाथ उठाया है, कल मारपीट शुरू कर देगा तो? लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तुम जाओ अपने मायके। जे ये एक तरीका है उसकी बुद्धि सही करने का। 2-4 दिन तुम अपने मायके में रहोगी ना, तब समझ में आएगी उसको तुम्हारी महत्ता। कहा है कि सम्राट को अब और शह देना ना अच्छा नहीं है।
तुम उसकी आंखों के सामने नहीं रहोगी ना, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और तुम देखना, देखना फिर आएगा तुम्हारे पीछे पीछे अपनी गलती की माफी मांगता हुआ। हम कह रहे, तुम देख ले। चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चलो बस इतने कपड़े बहुत है, बाकी हम भिजवा देंगे। चलो सारी सीमाएं तोड़ दी सम्राट ने। हमारा सर शर्म से झुक गया है। उर्मी को क्या बोले, क्या कहें उससे, किस मुंह से उसे दिलासा देंगे। पापा बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें, शायद बचपन में आपने देवर जी की पिटाई नहीं की होगी, ये सब उसी का नतीजा है। अगर बचपन में पिटाई की होती ना तो देवर जी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने उर्मी पे हाथ उठाते। चुप करो कंचन, कुछ भी मत बोला करो। दिवाकर बहुत ठीक कह रहे, काश मैंने सम्राट को शुरू में संभाल लिया होता। बस घर में कला ना हो, जे डर से शशि और सम्राट की बातें चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, और उसका नतीजा आज इतना सब कुछ गलत हो गया और मैं कुछ नहीं बोल पाया। जा रही उर्मी बहू? मायके जा रही है। हाँ? अरे मायके कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इसे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है बहू। उर्मी तुमने जाने का फैसला क्यों कर लिया? करेंगी, अभी उर्मी ने जो फैसला किया है सही किया है, जाए दो इसे। सम्राट को सबक सिखावे की बहुत जरूरत है। आज उसने जो उर्मी के साथ किया है ना, उस पे भी उर्मी ने अगर कछु नहीं किया तो उसे बढ़ावा मिल जाए, आदत पड़ जाए है मारपीट की। हाँ अरे ऐसे कैसे आदत बना लेंगे, आप लोगों ने उन्हें बताया नहीं कि त्रिशा यहाँ पर आई हुई है, वो भी पुलिस बनकर। जब त्रिशा को पता चलेगा ना तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। कंचन तुम हर जगह मत बोला करो, चुप करो। अरे ये सब क्या हो रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी मुश्किल से घर में खुशी आनी शुरू हुई थी और अब आप चिंता कहाँ कर रहे हैं? हाँ तो वो 4 दिन के लिए तो जा रही हैं जे मायके, फिर उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और फिर हम सब है ना समझावे वाले, जाएगा फिर उर्मी को लेने। हाँ देखना हम। पता नहीं शशि, ये सब जो हो रहा है ना हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जाना चाहते हमें मम्मी पापा के पास जाना है, हमें प्लीज जाने दीजिए, जाने दीजिए।
हाँ।